Hello everyone. In 2018, Gates Civil Engineering asking this question: which one of the following matrix is singular? We have four options: A, B, and C. The first condition of for singular matrix is the matrix must be square, and the these four matrix already a square matrix. The second condition is the determinant of the matrix is 0. The first is square, first condition is square, and second condition is determinant of a matrix is 0. If we calculate the determinant of A option is 2 multiply by 3 minus 1 multiply by 5 is equal to 1. If we calculate the determinant of option B is 3 multiply by 3 9 minus 4 is 5. If we determine the determinant of option D is 4 into 8 minus 18 minus 10 is the determinant, and the option C, if we calculate the determinant of option C is 0. 2 multiply by 6 12 minus 3 multiply by 4 12. It means the C option is correct. Now this video in Hindi language. Thank you. Hello everyone. GATE 2018 Civil Engineering में question पूछा गया था, which one of the following matrix is singular matrix? और चार option है हमारे पास, A, B, C, D. चारों ही हमारे square matrix हैं 2x2 की. तो first condition जो है हमारे square matrix की वो है कि हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स की है कि वो हमारा मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर होनी चाहिए. तो चारों हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो इन चारों में से कोई भी हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है. सेकंड कंडीशन है कि उनका जो जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेट, मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेट 0 होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगी. तो मैट्रिक्स ए का अगर हम डिटरमिनेंट निकालें, तो डिटरमिनेंट कैसे निकाल लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 5. तो फर्स्ट मैट्रिक्स का अगर हम निकालें डिटरमिनेंट, तो 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 5 इजकल टू 1. ओके, सेकेंड मैट्रिक्स का हम निकालते हैं डिटरमिनेंट, 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 इजकल टू 5. और अगर हम सी ऑप्शन का डिटरमिनेंट निकालें, तो 2 इंटू 6 12 माइनस 3 इंटू 4 12 इजकल टू 0. एंड फोर्थ का अगर हम निकालें, तो 4 इंटू 8 6 माइनस 6 इंटू 3. तो जो हमारी सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है, तो वो है हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स. तो इसी तरह से अगर आप और भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहते हैं, ये बस एक एग्जांपल है, मैंने करके देखा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा.